विकास शर्मा, फार्मिंग हिंदी एडवाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे भारत के मेरे किसान भाइयों, आप ये मेरा जो वीडियो देख रहे हो वह वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभदायक है, और मैं चाहता हूं कि अपने जितने भी किसान भाई हैं भारत के अंदर, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप करें, क्योंकि आप जितना किसान भाइयों को व्हाट्सएप करोगे मेरी वीडियो या शेयर करोगे, तो किसी ना किसी किसान का भला ज़रूर होगा और उस किसान को एक नई क्रांति देखने को मिलेगी अपनी फसलों के अंदर। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जैसा कि मेरे किसान भाई, आप ये देख रहे हो, आप ये नीम के पत्ते देख रहे हो, ये नीम के पत्ते हैं और ये एलोवेरा है, कुंवर, इसको अपन बोलते हैं कुंवरपाटा भी बोलते हैं। और ये एक ड्रम है, तो ये बड़ा ड्रम था तो हमने आधा ड्रम काट दिया इसका, तो ये 100 लीटर का ये ड्रम है। तो इसके अंदर हमने ये जो आप देख रहे हो मिक्सी, इस मिक्स की सहायता से हमने ये कुंवरपाटा और नीम के पत्ते दोनों को मिक्स करके इस मिक्सी में मिश्रण मिक्स किया है, जूस बनाया है इनका, और जूस बना के इन कुंवरपाटे का, नीम का, और उसको इसको अब हम फर्टिलाइजर का रूप दिया है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये कुंवरपाटा और नीम के पत्ते का जूस है एक तरह का, परंतु ये फर्टिलाइजर का रूप दिया है हमने, ये फर्टिलाइजर है। और मेरे किसान भाइयों, ये काम आएगा जैसे आपकी जो सब्जियों की जो फसल होती है, उन फसलों के अंदर जड़गांठ की शिकायत होती है, दीमक की शिकायत होती है और जड़ संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। तो आपको रासायनिक दवा देने की ज़रूरत नहीं है दीमक में और जड़गांठ में, और भी कई प्रकार के रोग होते हैं जड़ संबंधी, तो आप रासायनिक दवा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही सरल और साधारण तरीका है, अगर आप चाहो तो घर में ये दवा बना सकते हो और अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों, ये थोड़ा शाम का वक्त है, शाम का वक्त में भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, इसके ये फर्टिलाइजर कुंवरपाटे से और नीम के पत्ते से आपको फर्टिलाइजर कैसे बनाना है। एलोवेरा ये देख रहे हो आप, एलोवेरा है, तो आपको एलोवेरा को ऐसा काटना है, ये आपने हमने ये एलोवेरा काट दिया है और इसके बारीक बारीक टुकड़े करने हैं, ये हमने बारीक बारीक टुकड़े करने हैं। बारीक बारीक टुकड़े करके और इस मिक्सी के अंदर हम डाल देंगे, बारीक बारीक टुकड़े ये है जो मिक्सी में डाल दिए हैं, और एक और ले लेंगे हम, एक एलोवेरा की कली और ले लेंगे, पत्ता ले लेंगे एलोवेरा का, उसको भी इसी प्रकार हम काट देंगे छोटे छोटे टुकड़े करके, हम इसको काट देंगे। काटने के बाद में हम इसको मिक्सी में डाल देंगे, फिर हम लेंगे थोड़ा नीम के पत्ते लेंगे, नीम के पत्तों को हम ऐसे तोड़ेंगे, तोड़ने का तरीका देख रहे हो, इस तरह से हम नीम के पत्ते को तोड़ेंगे आराम से, और ये भी मिक्सी में डाल देंगे। तो इसमें मात्रा की कोई जरूरत नहीं है, जितना मिक्सी के अंदर आप आए तो आधा आधे पत्ते ले लो और आधा आधे ले लो आप एलोवेरा के टुकड़िया, मिक्सी के अंदर आप आराम से आधा एलोवेरा डाल दो और आधा नीम के पत्ते डाल दो आराम से। ये हमने डाल दिए, नीम के पत्ते डाल रहे हैं, थोड़े नीम के पत्ते तोड़ने में समय लगता है मेरे किसान भाइयों, तो हमने ये डाल दिए हैं, नीम के पत्ते डाल दिए हैं, एलोवेरा डाल दिया है, ऊपर से हम 2 गिलास पानी का डाल देंगे इसमें, ये 2 गिलास पानी का डाल दिया इसमें, करीबन पानी हो गया है 1 लीटर के आसपास पानी हो गया है, और ये हमने ये दबा दिया है, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और ढक्कन पे हम जोर लगा के रखेंगे, इस पे दबा के रखेंगे, और ये जो मिक्सी है ये मिक्सी हम चालू कर देंगे। Thank you.
ये हमारा फर्टिलाइजर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। अब इसको हम खोलेंगे आराम से और इसको हम निकालेंगे। ये हमारा नीम और एलोवेरा का फर्टिलाइजर है और ये मेरे किसान भाई फर्टिलाइजर इतना स्ट्रॉन्ग व इतना ताकतवर है कि आपके जड़ संबंधी रोगों को बिल्कुल खत्म कर देगा और पौधों को एक तरह की ग्रोथ भी देगा ये, और पौधा रहेगा बिल्कुल निरोगी निरोगी रहेगा, किसी भी प्रकार का पौधे पे रोग नहीं लगेगा और ये बहुत ही लाभदायक है। चाहे तो आप इसको स्प्रे भी काम ले सकते हो और चाहे आप जड़ के अंदर भी काम ले सकते हो। अब इसको हम ये डालेंगे इसके अंदर, इस बगल में डाल दें, ये डाल दें ऐसे। तो मेरे किसान भाइयों ये फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा है एलोवेरा और नीम के पत्ते का। इसका उपयोग में कैसे लेना है कि ये जो आप फर्टिलाइजर देख रहे हो हमने इकट्ठा किया है, तो 1 लीटर ये लेना है आपको फर्टिलाइजर और 10 लीटर पानी के अंदर मिलाकर आपको 1 लीटर 1 लीटर फर्टिलाइजर के अंदर 10 लीटर पानी मिलाकर और आप नियमित तौर पर सिंचाई करें पौधों की, तो आपका ये कभी भी पौधों पर पौधों की जड़ों के अंदर कभी भी रोग नहीं आएगा। जड़ गांठ का, काली जड़ का, किमक का, ये कभी भी रोग नहीं आएगा। और ये नीम के पत्ते ग्रामीण में आराम से मिल जाते हैं किसानों के भाइयों के पास में, और जो एलोवेरा है ये भी किसानों के पास में बहुत से लगे हुए रहते हैं खेतों के अंदर। और अगर नहीं भी है तो थोड़ा बहुत एलोवेरा बारिश के मौसम में लगा लें, 2-4 पेड़ से बहुत सी पेड़ हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये एलोवेरा और नीम का जो फर्टिलाइजर है मेरे किसान भाइयों, ये जड़ गांठ के अंदर बहुत काम आता है और जड़ संबंधी जितने भी रोग है उसमें सभी में काम आता है, दीमक में भी बहुत काम आता है। और 1:10 मिला के आप आराम से नियमित तौर पर सिंचाई करें पौधों की, 1 लीटर फर्टिलाइजर के अंदर 1 लीटर फर्टिलाइजर के अंदर 10 लीटर पानी के मिलाकर आप सिंचाई कर सकते हो नियमित तौर पर। और अगर आपको स्प्रे करना है इसी का, तो इसी को आप छान कर और आप 1 लीटर फर्टिलाइजर के अंदर 10 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हो, जिससे छोटे मोटे कीट पतंगे वगैरह और लीफ माइनर वगैरह जो पत्तों की जो बीमारियां है वो कीट पतंगों को ये आराम से ख़त्म कर देगा और पत्ता पेड़ों को जो पौधे का जो सब्जियों को पौधे का जो पत्ते होते हैं वो ताजगी में रहेंगे। तो मेरे किसान भाइयों ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है और एक बार आप काम में लेकर देखो आपको बहुत ही फायदा का ये चीज़ मिलेगी और बहुत ही ये ज्ञान की बात है। ये मेरा खुद का रिसर्च है और मैं कई बार दूसरे किसानों को भी, मैंने बहुत से किसानों को जागृत किया है और इससे बहुत ही अच्छा फायदा मिला है। और इसको बनाने का तरीका क्या है कि ये हमने जो मिक्सी में पीस के ये फर्टिलाइजर को रख दिया है और इसको हम इसका मुंह बंद कर देंगे ड्रम का और 15 से 20 दिन इसको या 10 कम से कम 7 दिन तक ऐसे ही रखना है आपको, 7 दिन तक ऐसे ही रखना है और इसको हिलाना है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको हिलाना है। और अगर ये गाढ़ा हो तो आप इसमें पानी डालकर इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हो और ये बहुत ही लाभदायक है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, आप इस प्रक्रिया से अपने खेती का खर्चा आप बचा सकते हो और अधिक मुनाफा आप कमा सकते हो। मेरा ये वीडियो किसान भाई जितने भी किसान भाई अपने सभी के पास व्हाट्सएप करें और सभी को देश के अंदर किसानों के साथ शेयर करें, जिससे मेरे किसान भाई भारत के किसान भाई उनका खर्चा कम हो, क्योंकि हमेशा मेरे किसान भाई जितने भी किसान हैं उनको कृषि घाटे का रूप ले रही है। तो ये ऑर्गेनिक और जैविक फर्टिलाइजर आप अपनाओगे तो वो घाटा कम हो सकता है आपका कृषि का। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगला पार्ट इसका लेकर आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, भारत के अंदर सभी किसानों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप करें, जो रेड के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है
तो सब्सक्राइब आप जरूर करें और बगल के अंदर जो बेल घंटी है आप उसको जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए अनुसंधान कृषि संबंधी और कृषि संबंधी जानकारियां आप तक आसानी से पहुंच सके। जय जवान जय किसान।